तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप किसी कंपनी से टर्मिनेट हुए या एब्सकॉन्ड हुए हो वहाँ से, तो क्या आपके लिए कोई लेटर होना जरूरी है किसी MNC में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए या जॉब मिलने के लिए। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ, मैंने एक्चुअली इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ कि एब्सकॉन्डिंग लेटर क्या होता है, टर्मिनेशन लेटर क्या होता है एंड रिलीविंग या रेजिग्नेशन लेटर का मतलब क्या होता है। अगर आप चाहो तो वो वीडियो मेरा देख सकते हो। एंड मैं बता दूं कि आप किसी भी कंपनी से टर्मिनेट होते हो या किसी भी कंपनी से एब्सकॉन्ड होते हो या किसी भी कंपनी में आप रिजाइन डालते हो और आपको रिलीविंग लेटर वहाँ से मिलता है या एक्सपीरियंस लेटर आपको मिलता है जब आप नोटिस पीरियड सर्व कर देते हो। एंड कई बार क्या देखा गया कि एब्सकॉन्डिंग के केस में या टर्मिनेशन के केस में आपके पास लेटर नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, 90 या 95% जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे कि आपका HCL हो गया, विप्रो हो गया, IBM हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, TCS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, जो मल्टीपल ब्रांड्स हैं, बिग फोर में डेलॉइट हो गया, तो ये जो ब्रांड्स हैं ना, अगर आपका करंट कंपनी से या प्रीवियस कंपनी से अगर आपका टर्मिनेट हुआ है, आपका एब्सकॉन्डिंग हुआ है, तो वो लेटर आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी है। वो एक अलग केस हो गया कि वो टर्मिनेशन को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, एब्सकॉन्डिंग को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो एक सेपरेट केस हो गया उस चीज़ के लिए। लेकिन आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका किसी कंपनी से टर्मिनेट हो रहा है, आप उनसे टर्मिनेशन लेटर लो, चाहे वो 10 दिन की सर्विस हो, 20 दिन की हो, या 1 साल की हो, या 2 साल की हो, कितनी भी सर्विस हो, आप उनसे टर्मिनेशन लो। आपका एब्सकॉन्डिंग हो रहा है उस कंपनी से, आप उनसे ज़बरदस्ती एब्सकॉन्डिंग लेटर लो कि मेरा अगर एब्सकॉन्ड हुआ है तो मुझे एब्सकॉन्डिंग लेटर दो। क्योंकि जब आप किसी MNCs को ज्वाइन करो, किसी MNC को ज्वाइन करोगे एंड आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट होगा, उस केस में वो कंपनी बोलेगी कि आप एक एटलीस्ट से कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करो। अगर आपको हम कंसीडर करेंगे, वो MNC कंपनी बोले कि हम आपको कंसीडर करेंगे, आपका टर्मिनेट हुआ नो मैटर, आपका एब्सकॉन्डिंग हुआ नो मैटर, हम आपको कंसीडर करेंगे, आपको जॉब भी देंगे, बट एटलीस्ट आपको एक लेटर, एक पेपर उस कंपनी का देना पड़ेगा। अगर ये दोनों नहीं है तो उस कंपनी से कम आपको रिटर्न में ईमेल लेना है कि आपका लास्ट वर्किंग डे ये है और हमने आपको टर्मिनेट किया है। ये 90-95% कंपनीज का रूल है, तो आप उस कंपनी से लेटर ज़रूर ले लें। एंड इसके अलावा भी अगर आपका कुछ भी क्वेरी या कमेंट है या आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है एज अ कंसल्टेंट। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने एक्सपेरिमेंट। हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।